हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारा आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 46। तो यार, जैसे कि आप सभी ने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा, जहाँ पे हमने स्पाइनो की आर्मी बनाई थी और उस स्पाइनो की आर्मी को हम लेके गए थे आइस वाले एरिया में। फिर क्या था गाइस, वहाँ पे हमने मैमथ के ग्रुप से लेकर रैक्स के ग्रुप तक को इजिली किल कर लिया था। एंड मैंने वहाँ पे आप सभी से बोला था, यार मेरी स्पाइनो की आर्मी को चैलेंज दीजिए। एंड काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोलने लगे, भाई यार स्पाइनो वर्सेस रैक्स करो, तो नहीं स्पाइनो वर्सेस गीगा करो। भाई यार स्पाइनो वर्सेस गीगा इम्पॉसिबल है यार, गीगा स्पाइनो को ईजिली किल कर देगा, चाहे मैं कितने भी स्पाइनो लेके आ जाऊँ ना, तो गीगा को नहीं मार पाऊंगा, तो वो करना इम्पॉसिबल है। वैसे हमें काफ़ी लंबे टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई यार रैक्स को टेम करो। तो फिर क्या था गाइस, आज मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना यार हम एक हाई लेवल रैक्स ढूंढेंगे एंड उसको टेम करने का ट्राई करेंगे। वैसे हमें जो रैक्स है वो आइस वाले बायोम में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल हमें वाले रैक्स जो हैं हमें वहीं पर मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर से निकल चुका हूँ रैक्स को टीम करने के लिए। वैसे मेरे पास जो है अभी ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, एक मेरे पास स्मूथिंग बाम है। तो चलिए गाइस, यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नए एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, तो प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 150। आई होप गाइस आप लोग इतना लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। तो यार जैसे मैं यहाँ पे से निकल रहा था तो मेरे को यहाँ पे एक कार्नो दिखा, तो मैंने डिसाइड करा चलो क्यों ना यार इसका हम यहाँ पे लेवल चेकआउट कर लेते हैं। वैसे 99 लेवल की फीमेल है, तो हमने आई थिंक जो पिछले बारी कार्नो टेम किया था वो मेल था। अगर हम इस कार्नो को यहाँ पे टेम कर ले तो हमारे पास एक मेल एंड एक फीमेल कार्नो हो जाएगी काफ़ी अच्छी लेवल की, जिसको हम ब्रीड करके काफ़ी दमदार कार्नो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर क्या था गाइज, मैंने डिसाइड करा चलो क्यों ना यार इस कार्नो को टेम करते हैं एंड उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे से निकलेंगे रैक्स को ढूंढने के लिए। तो अभी जो है मैं फटाफट से यार इसको अनकॉन्शियस करता हूँ। ये अभी जो है पैरासोरस के ऊपर बिजी है एंड हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है कि इसको यहाँ पे हम अनकॉन्शियस कर सकते हैं। पर जैसे मैं इसको मार रहा था ना, ये पता नहीं ये कीड़े पतंगे कहाँ से आ चुके हैं। सबसे पहले लगता है मेरे को इनको मारना पड़ेगा, भाई एक तलवार में सारे के सारे गायब। ओके गाइस, फाइनली ये लोग तो यहाँ पे इजीली गायब हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से अरे कार्नो किधर गया यहाँ पे से, लगता है गाइस कार्नो गयो, ये भी गयो। अभी कोई नहीं, हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे। वैसे इधर किधर होना चाहिए, लगता है मेरे को अपना पैट्रा का यूज करके उसको ढूंढना पड़ेगा। वैसे यार ये पाची की आवाज़ जो है ना काफी ज्यादा खतरनाक आ रही है, तो मेरे को लगा यार रैक्स की आवाज है, पर वो पाची की थी। ओके ये रहा यार, कहीं गया नहीं है, जो अपना कार्नो है ना वो यहीं पे है। तो चलिए फटाफट से इसको अनकॉन्शियस करते हैं। वैसे ये अभी किसी ना किसी में फाइट करने में बिजी है एंड हम जो है ना इसको पीछे से मार सकते हैं। ओके गाइस, ये मेरे पैट्रा के ऊपर एग्रो हो चुका है, तो जब तक हमारा पैट्रा के ऊपर ये एग्रो है ना, तब तक हम इसको यहाँ पे अनकॉन्शियस करने का ट्राई करते हैं। 95 लेवल का है गाइस, ओ मेरे ऊपर आ गया, लगता है मेरे ऊपर आ गया मेरा पैट्रा। भागो, भागना पड़ेगा यहाँ से गाइस। इसको मैं ऐसे करता हूँ ना, दूर रखता हूँ, तब इसको मैं यहाँ पे अनकॉन्शियस करने का ट्राई करूँगा। ओके, फिर मेरे पैट्रा के ऊपर गया। अबे भाई असेंडेंट के आर्मर है, नहीं मार पाएगा इतने ईजिली हमें, तो मैं जो है ना इसको ईजिली जो है अनकॉन्शियस करने का ट्राई करता हूँ। वैसे काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रैंकुलाइजर डार्ट जो है इसमें ऑलरेडी मार दिया, भागना पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूँ, अपने जो पैट्रा है ना उसे काफ़ी ज़्यादा दूर करके स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये हमें फॉलो कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है। चलो विसिल बजाते हैं एंड इसको स्टॉप करते हैं। तो फाइनली गाइज अब जो है ना इसको मैं यहाँ पे टेम करके ही रहूँगा। अबे भागने लगा, लगता है ये अनकॉन्शियस होने वाला है। देखिए गाइज कितनी तेज भाग रहा है, एक दो एरोज और लगेंगे ना तो डेफिनेटली ये अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो फाइनली गाइज यहाँ पे 95 लेवल का कार्नो जो है हमने अनकॉन्शियस कर लिया है। अब जो है ना इसको फटाफट से टेम कर, मेरे पास आई थिंक मैं नार्कोटिक्स नहीं लाया, मुझे लगता है मेरे को यहाँ पे सब बेस जाना पड़ेगा, वहाँ से नार्कोटिक्स लेके आऊँगा, क्योंकि गाइस अगर ये जग गया ना तो काफ़ी ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा।
तो मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से यार यहाँ पे से अपने बेस निकलता हूँ एंड नार्कोटिक्स लेके आता हूँ और इसको हम फटाफट से अटेम करेंगे। मेरा पेट्रा आजा, तो मैं अपने पैटर्न डोन में बैठ गया हूँ एंड अब जो है ना गाइज यहाँ पे से हम लोग फटाफट से निकलते हैं। वैसे मैं अभी एग्जैक्ट लोकेशन देख दूँ वो कहाँ पे है। तो ठीक है गाइज अपन को लोकेशन तो दिख चुकी है, अब जो है ना हम यहाँ पे से निकलते हैं। वैसे अनकॉन्शियस लेवल खत्म तो नहीं होगा गाइज जो अगर हम बेस से आए तो? मुझे लगता है इतना जल्दी तो नहीं होने वाला। नार्कोटिक्स नहीं है मेरे पे, ऐसे करते हैं गाइज चलिए बेस ही निकलते हैं। पर मैं अपना जो कार्नो है ना उसको भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर कोई इसके ऊपर अटैक किया ना, अगर मेरे वाले कार्नो के ऊपर भी अटैक किया तो डेफिनेटली गाइज वाला इसको मार ही देगा। तो मैं निकलता हूँ यहाँ पे से। ओके मेरा कार्नो आ चुका है, भाई कार्नो इसकी देखभाली करते रहना, इसको कोई मारना नहीं चाहिए। मैं फटाफट से यहाँ पे से निकलता हूँ बेस। तो चलिए गाइज फाइनली मैं यहाँ पे अब बेस में आ चुका हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे नार्कोटिक्स चाहिए, नार्कोटिक्स मैंने इधर ही किधर रखे हुए थे। ये मेरे पास किबल्स है, किबल्स भी ले लेता हूँ। वैसे पैरासोरस के किबल हैं वो तो काम नहीं करेंगे। नार्कोटिक्स किधर गया? नार्कोटिक्स यहाँ पे तो नहीं है, लगता है मेरे रेफ्रिजरेटर में होगा। ओके ये रहा यार 62 नार्कोटिक्स है मेरे पास एंड इससे तो काम इजीली बन जाएगा। भागो यहाँ पे से। ओके गाइज यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ एंड ये रहा टुकर, समझिए गाइज उठा नहीं है। अगर उठ जाता ना तो तब इसको अनकॉन्शियस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। तो फटाफट से हम इसको नार्कोटिक्स खिला देते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नार्कोटिक खिलाएंगे ना तो जितना भी इसका अनकॉन्शियस लेवल कम होगा वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। अभी मैं फटाफट से इसको स्मूथिंग बाम देता हूँ, है ना गाइज स्मूथिंग बाम दे देते हैं एंड जल्दी टेम हो जाएगा। वैसे अगर रैक्स मिलता है तो रैक्स के लिए भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके स्मूथिंग बाम का तो जुगाड़ कर ही लेंगे। तो फटाफट से इसको देता हूँ एंड फूड डाल दी। ओके फाइनली गाइज हम फूड दे दिए उसे एंड एक बाइट में लगभग 21% टाइम हो रहा है तो इसको 5 बाइट लेनी पड़ेगी। तो अभी हमें जो है ना गाइज यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। लगभग मेरे को 140 से 150 लेवल के बीच में तक मिलेगा इसका। तो मेरा कार्नो गाइज, कार्नो का डैमेज जो है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो आपने देखा होगा गाइज एक कितना हाई लेवल का इक्वानोडोन था एंड उसको दो ही अटैक में मार दिया ये। यार अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको टेम होने में, तो हम ऐसे कर देना थोड़ा सा वेट करते यहाँ पे। ओके गाइज फाइनली यहाँ पे हमारा ये कार्नो टेम हो गया है एंड कितना लेवल का होगा? लगभग 140 लेवल का। तो यार अब नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम कार्नो के ब्रीडिंग कराएंगे एंड एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का ना कार्नो निकालेंगे ना, तो लगभग 140 लेवल का है। तो चलिए गाइज अब ऐसे करते हैं यहाँ पे से हम लोग फटाफट से निकलते हैं आइस वाले बायोम में एंड वहाँ पे हम रैक्स को ढूंढने का ट्राई करेंगे। अरे मेरा पैट्रा किधर गया? ओके ये रहा पैट्रा। तो चलिए गाइज हम लोग यहाँ पे से निकल चुके हैं अब रैक्स को ढूंढने के लिए। देखते हैं गाइज आज हमारी किस्मत होगी, हमें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का रैक्स मिलेगा। वैसे अगर 100 लेवल का भी मिलेगा ना तो गाइस चलेगा, वो काफ़ी अच्छा रैक्स होगा जो अगर हमें 100 लेवल का मिलेगा। तो यार हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड अभी तक अपने को तो रैक्स दिखा नहीं। वैसे इधर किधर भी यार काफ़ी ज़्यादा रैक्स हमें मिल जाते थे पर अभी नहीं है क्योंकि हमारे स्पाइनों की आर्मी ने यार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रैक्स यहाँ पे किल कर दिया। तो देखो गाइस मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से स्पाइनों की आर्मी खड़ी करी है यहाँ पे। भाई ये भाई अब ये अपना इलाका है। तो चलिए गाइस वैसे रात होने लगी है तो मुझे लगता है यार मेरे को यहाँ पे से सो के आना पड़ेगा, तभी हम जो है ना पूरा टाइम दे पाएंगे रैक्स को ढूंढने में। तो चलिए मैं फटाफट से ऐसे करता हूँ यहाँ पे से निकलता हूँ सीधा ऑप्सलिक में एंड वहाँ पे मैंने अपना बेड लगा के रखा हुआ है तो हम यहाँ पे सो जाएंगे। पर अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे ढूंढ के रैक्स को देख लेते हैं। मुझे लग रहा है आगे रैक्स था, कुछ ना कुछ लगा था मेरे को। तो जी हाँ गाइज ये रहा फाइनली यहाँ पे मेरे को रैक्स मिला। सबसे पहले उसको इसका लेवल चेकआउट करो यार, 20 लेवल का है, 20 लेवल तो नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं ऐसे करूँगा नीचे उतरता हूँ फटाफट से इसको हम किल करते हैं।
तो चलिए फटाफट से यार इसको, ओ साइबर टूथ की आर्मी आने लगी है, तो ले भाई साइबर टूथ। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने साइबर टूथ को इजिली मार दिया है, अपने पैट्रा को अपने में फॉलो कराएंगे। अभी ये रैक्स को ना किल करते हैं। अरे किधर गया रैक्स? मेरे को लगता है गाइस ये रैक्स जो है ना यहाँ पे से नीचे कूद चुका है। तो ऐसे कर दें यार, रात काफी ज्यादा हो जाएगी, तो मैं फटाफट से निकलता हूँ अपने ऑब्सिलिक्स में एंड सोकर आते हैं हम सीधा मॉर्निंग में। सो फाइनली यार यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं निकल चुका हूँ यहाँ पे से रैक्स को ढूंढने के लिए। तो यार काफी ज्यादा हमने रैक्स को ढूंढा, पर यार रैक्स तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। जितने भी हमें रैक्स मिले ना, 10 लेवल के, 15 लेवल के, 20 लेवल के, इससे ज्यादा लेवल के तो मेरे को यहाँ पे रैक्स मिला ही नहीं। कहीं पे रैक्स तो मिल जाए यार। ओके एक ये रहा, 25 लेवल का है, नहीं चाहिए यार ये 25 लेवल का। तो मैं ऐसे करता हूँ यार, इस रैक्स को मारता हूँ, क्या पता हाई लेवल का रैक्स जल्दी यहाँ पे स्पॉन हो जाए। ले भैया तेरे को सबसे पहले मारूंगा, मैमथ को तो बाद में, तुझ रैक्स को सबसे पहले। तो चलिए गाइस मैमथ को छोड़ देते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे से निकलते हैं। अबे इसमें फूड नहीं है, इसके इन्वेंटरी में ना मेरे को फूड डालना पड़ेगा। भाई तू सारा का सारा मीट खा जा। तो चलिए गाइस फाइनली यार हम यहाँ पे से निकल चुके हैं रैक्स की तलाश में। अभी तक तो कहीं दिखा नहीं मेरे को। इधर किधर होते हैं यार, काफी हाई लेवल। ओके गाइस एक रैक्स और मिला, लगता है इसका लेवल चेकआउट करता हूँ, 95 लेवल का। सो फाइनली गाइस इसको हम यहाँ पे अनकॉन्शियस करने का ट्राई करते हैं। वैसे यहाँ पे काफी अच्छा रीज है, तो मेरे को ट्रैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से अगर उसमें एक भी ट्रैंकुलाइजर एरोज लग गया तो डेफिनेटली गाइस वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, पर इतना दूर ट्रैंकुलाइजर डार्ट नहीं जा पाएगा। तो मुझे लगता है यार मेरे को उसको थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा, तभी उसको मेरे को अपने पीछे लेके यहाँ पे से ऊपर चढ़ के जो है ना हम इसको अनकॉन्शियस कर पाएंगे। अबे आजा। ओके पहले मैमथ को मारता हूँ एंड उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो भैया उतरो नीचे, 95 लेवल का है लगभग, इसने हेल्थ जो है ना इसका काफी ज्यादा कम कर दिया। आजा भैया, और बुली राइनो से ये पग्गा लेने लगा है, ये मरेगा तो नहीं? मुझे लगता तो नहीं है यार, काफी हाई लेवल का है एंड बुली राइनो को ये इजीली किल कर देगा। चलो मैं ही इसकी हेल्प कर देता हूँ एंड जैसे ये मेरे ऊपर एग्रो होगा ना तो हम इसको लेके चलते हैं यहाँ पे से सीधा ऊपर की तरफ। अरे भाई आजा, अब तो गया ये रैक्स, नहीं आया। लगता है मेरे को काफी ज्यादा स्लो करके उसको अपने पीछे लेके आना पड़ेगा। अभी अपने पैट्रा से इसको मारता हूँ। ओहो गाइज मारा मेरे को ये, आजा भाई आजा, आ रहा है गाइज आराम आराम से मेरे पीछे ही आ रहा है। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, यहाँ पे रुकता हूँ और उसको यहाँ पे सम अनकॉन्शियस करने का ट्राई करेंगे। चलिए गाइस तो यहाँ पे हम लोग लगता है उसको इजीली अनकॉन्शियस कर पाएंगे। तो देखते हैं यार, लगभग 95 लेवल का है एंड कितना ट्रैंकुलाइजर इसको एरोज लगेंगे, आई मीन डार्ट लगेंगे। तो अभी मेरे पास 64 है, 66 थे, तो देखिए कितने लगेंगे। अबे भागने की ये भाग का गाइस, मुझे लगता है ये मेरे को जरा उल्लू बनाने का ट्राई कर रहा है। तो देखो गाइस ये दोबारा से मेरे ऊपर आएगा। अरे भैया हम कतई तेज है, तुम्हारे जैसा उल्लू नहीं है। किसी न किसी के ऊपर एग्रो हुआ है, वो लगता है मेरे को ये एनकी के ऊपर एग्रो हुआ है, पर हमारा डार्ट जो है इतने दूर तो यार इजीली चले जाएगा। अभी कोई डरने की बात नहीं है, फटाफट से इसको मारो। एंड वहाँ पे आरजे भी है यार, आरजे इसको किल ना कर दे, बस इसी चीज़ का डर है, क्योंकि मैं भी ट्रैंकुलाइजर एरोज इसमें मार रहा हूँ तो डेफिनेटली यार इसका हेल्थ भी कम होगा। अरे मारते रहिए बस, अभी देखना नहीं है यार। फिर आया अपने ऊपर। अरे भैया नहीं चढ़ पाओगे ना तुम इतने ऊपर।
लगभग गाइज मेरे 25 से 30 ट्रैंकुलाइजर डार्ट लग चुके हैं अभी तक, पर इसको तो मैं अनकॉन्सियस करके ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। अरे भागने लगा, लगता है मेरे को यहाँ पर से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि यह अब अनकॉन्सियस होने वाला है। चलो फटाफट से अपने पैटर में बैठो और निकले, नीचे निकलते हैं यार। अरे फिर आने लग क्या क्या क्या, चल आ जा भैया तू, ये तू मेरे को पता है तू नौटंकी दिखा रहा है, मैं ऐसे कहता हूँ ना दोबारा से ऊपर चलता हूँ, हम दोबारा से उसको मारने का ट्राई करेंगे। आ जा भैया, ले खा तू, दो तीन एरोज का है मेरे ख्याल से अभी। फाइनली गाइज यहाँ पे ये दोबारा से भागने लगा है, तो मुझे लग रहा है अब जो ये नहीं है अनकॉन्सियस होने वाला है, अब ये नोटिंकी नहीं कर रहा है, अब इसको जरा ना नशा चढ़ने लगा है, तभी ये इधर से उधर भाग रहा है। अरे भैया किधर भाग रहे हो, रुक तो जाओ। भागने लगा है रे, भागने लगा है, बस ये पानी में जाके अनकॉन्सियस ना हो जाए। अगर पानी में जाके ये अनकॉन्सियस होगा ना तो समझ लीजिए रेक्स को हम टेम नहीं कर पाएंगे। अरे पानी के तरफ मत, अरे गाइस लगता है मेरे को पानी के तरफ आगे की तरफ जाना पड़ेगा, तभी ये पीछे का साइड आएगा, तो चलिए फटाफट से पानी की तरफ चलते। ओके ओके मैं गया पानी की तरफ, देखिए गाइस ये मुड़ चुका है यार, पानी में अगर ये अनकॉन्शियस होता ना तो समझ लीजिए मर जाता, अब तो सही है। पर यार आगे जो है ना काफी ज्यादा रैप्टर्स है, तो मेरे को यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा पहले रैप्टर्स को मारना पड़ेगा। एक 20 लेवल का रैप्टर आया, अरे भैया मेरे को आराम से रैक्स को टेम तो करने दो। ओके ये मारा बिच्छू, बिच्छू को मारो फटाफट, लो ये बिच्छू भी गया। ये आरजे भैया ना 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 ना, ये पहले बिच्छू को ही मारो। ओके ये बिच्छू भी मार दिया अपने, एक रैप्टर था पर रैप्टर को बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैं इसको देखूँ ये किधर भाग रहा है। रुक जब तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, लेवल का है गाइस, मजाक बात नहीं है। फाइनली गाइज हमने 95 लेवल का रैक्स जो है यहाँ पे अनकॉन्सियस कर लिया है। अभी मेरे को सबसे पहले तो इसके लिए बायोटॉक्सिक चाहिए, एंड उसके बाद जो है ना हम स्मूथिंग बाब का जुगाड़ करेंगे। साइबर टूथ मारना पड़ेगा, 140 लेवल का साइबर टूथ है। और भाई 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 भाई, अरे ये क्यों भड़क चुके हैं मेरे में। अबे भाई स्टिगोर इतना नहीं भकड़कते यार, लो लो तुम भी खाओ। ले भैया तू 70 लेवल का है, मतलब अपन को नहीं मार पाओगे। मैं ऐसे करता हूँ ना, सारे के सारे यहाँ पे जितने भी डायनोज हैं जिनको हम किल किए थे उनको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसका अनकॉन्शियस लेवल देखो, कहीं जगने वाला तो नहीं है यार। 95 लेवल का स्टेट जो है, 4000 उसकी हेल्थ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड मेरे पास यार नार्कोटिक्स नहीं है, मैं लगता है मैं सारे के सारे नार्कोटिक्स जो है ना अपने कारनों में छोड़ के आ चुका हूँ। अरे गाइस अभी मेरे को बायोटॉक्सिक फार्म करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे बगल में समुद्र है तो मुझे लगता है मेरे को यहाँ पे नार्कोटिक्स तो नहीं, बायोटॉक्सिक्स तो इजीली मिल जाएगा, वैसे देखते हैं। ओके यहाँ पे जेलीफिश है, तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं एंड बायोटॉक्सिक्स लेके आते हैं। ये इसको मारूं, ये काफ़ी गंदा सीन करता है ये यार, इससे तो बच के ही रहना सही है, नहीं तो ये एक बार ही अटैक कर दिया ना तो आप लोग इसके अटैक से हिल भी नहीं पाओगे। बेर पेट्रा तू बाहर आ जा, तेरे को स्टॉप करूँ मैं पहले। ओके चल तू आराम से बैठ, तब तक मैं बायोटॉक्सिक का जुगाड़ करके आता हूँ। अरे यार इतनी यहाँ कितनी ज़्यादा वो है इच्छी तो सौरस, अबे 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 मार दिया था उसने, अब मेंटस आया। ले भैया मेंटस यार, इच्छी तो सौरस मैगलाडॉन। अरे भैया अभी सबसे पहला आराम से इनको मारो, एंड उसके बाद हम देखेंगे। ये मेंटस 10 लेवल का है, अबे एक और आया, ले गया। तो मेरे पास लगता है काफ़ी ज़्यादा बायोटॉक्सिक तो हो चुका होगा, अभी जो है ना फटाफट से निकलते हैं। वैसे ये ओ गाइस 100 लेवल की मैगलाडॉन यार, इसको हम टेम कर पाते तो क्या ही मजा आता यार, 100 लेवल का था। पर मेरे पास अभी इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि मैं इसको यहाँ पे टेम कर पाऊँ। अभी जो है हम सबसे पहले फोकस करते हैं अपने रैक्स में। वैसे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बायोटॉक्सिक तो हो चुका है, तो चलिए चलते हैं। वैसे पेट्रा किधर है? ओके ये राम राम पेट्रा। तो चलिए गाइस अभी जो है ना फटाफट से मैं रैक्स को
सामान दे के आता हूँ, बायोटॉक्सिक खिला दूंगा। एंड अभी जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा एंड वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, लगभग 20 मिनट का। तो इसको हम पूरी तरीके से टाइम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स गाइस यार फॉर योर लवली सपोर्ट। तो मिलते हैं यार हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड देखेंगे गाइस ये कितनी लेवल की रैक्स होगी। तो बाय बाय गाइस।